नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे न्यू ट्रिकविथ डीडी चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। रचमर एवं सेल्डन के द्वारा जो शरीर की संरचना के आधार पर सिद्धांत दिया गया है, तो आज हम उसी की बात करने वाले हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें। तो शुरू करते हैं शरीर की संरचना के आधार पर सिद्धांत। तो शरीर की संरचना के आधार पर सिद्धांत कहें या फिर कहें कि शरीर गठन के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण, तो ये किसने दिया था शरीर गठन के आधार पर सिद्धांत? तो ये दिया था क्रैचमर या फिर क्रैचमर। इन दोनों नामों से ही पूछा जाता है, या तो आपको क्रैचमर मिलेगा देखने को या फिर क्रैचमर मिलेगा। अब इन्होंने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है, व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है? चार भागों में बांटा है। पहला है हमारा लंबकाय, जिसे एस्थेनिक कहते हैं। दूसरा है हमारा सुडोलकाय, जिसे एथलेटिक कहते हैं। तीसरा है हमारा गोलकाय, जिसे पिकनिक कहते हैं। और चौथा है हमारा मिश्रित काय, जिसे डप्लास्टिक कहते हैं। तो इन सभी को हम एक ट्रिक के द्वारा याद करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, क्रैचमर का ये पूछा है कि क्रैचमर का हमें याद रखना है। तो क्रैचमर में आपको काय 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 काय, अगर ये शब्द आपको लास्ट में मिल जाए तो माना जाएगा क्रैचमर के अनुसार कि क्रैचमर ने ये व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं। तो बात करते हैं ट्रिक की। तो देखिए, क्रैचमर, क्रैचमर मतलब कैची मारी, क्रैच से कैची, मर से मारी। तो क्रैचमर कैची मारी, किस पर? किसी काया मतलब किसी कपड़े पर ऐसी कैची मारी, मतलब कि कैची चलाई, किसी कपड़े पर ऐसी कैची मारी कि उसकी काया ही बदल गई। काया कैसी बदल गई कि वो लंबा दिखने लगा है। काया आपने बदल दी तो काया बदलने के बाद वो कैसा दिखने लगा है? लंबा कपड़ा दिखने लगा है। अब उसने नेक्स्ट हमारा सुडोल काय, अब फिर आपने काया बदली तो उसका आकार कैसा हो गया? सुडोल हो गया, ना तो वो लंबा रहा ना वो गोलाकार के रूप में रहा, तो वो कैसा बन गया? सुडोल बन गया है। तो सुडोल काय हो गया। तीसरा है हमारा गोल काय, अब आपने उसकी काया ऐसी बदली कि वो क्या है? गोलाकार हो गया है। कपड़ा कैसा कट गया हमारा? गोलाकार कट गया, तो इससे हो जाएगा हमारा गोल काय। और चौथा है हमारा मिश्रित काय, कि जब आपने ये सारी प्रैक्टिस की तब क्या है, लास्ट में जब आपने उसकी काया बदली तो वो एकदम मिश्रित मतलब सभी का मिला जुला रूप हो गया, ना तो अब वो लंबा लग रहा है, ना वो सुडोल काय लग रहा है, ना ही गोल काय लग रहा है, मतलब कि वो सबका मिक्सर हो गया है, सबका सभी को मिला दिया है। तो ये हो गया हमारा मिश्र का। तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इन सभी की डिटेल के बारे में। बात करते हैं सबसे पहले लंबकाय की। लंबकाय क्या होता है? इसमें ऐसे लोग आते हैं जो दुबले पतले होते हैं या दूसरों से घनिष्ठ संबंध बनाने से बचते हैं। इनकी लंबाई ज्यादा होती है और ये अपने क्रोध को सीधे सीधे अभिव्यक्त नहीं कर पाते और ये स्वार्थी तथा जुगलखोर होते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति लंबा होता है वो कैसा दिखेगा? आपको दुबला पतला मिलेगा। वो क्या है? किसी दूसरे के साथ में संबंध नहीं बनाता है। वो दूसरों से संबंध बनाने से बचता है कि मैं इससे दोस्ती ना करूं, इससे मैं संबंध ना बनाऊं, वो उससे बचता है, दुबले पतले लोग। और इनकी लंबाई क्या होती है? ज्यादा होती है, तभी तो ये क्या है, लंबकाय है, क्योंकि ये इनकी लंबाई ज्यादा होती है। और ये जो इनका क्रोध है, ये अपना क्रोध दूसरों के सामने सीधे सीधे व्यक्त नहीं करते, जैसे कि और लोग कर देते हैं, अपने क्रोध को सीधे सीधे व्यक्त कर देते हैं। और क्या होते हैं? ये स्वार्थी होते हैं। ये लोग जो होते हैं बहुत ही ज्यादा स्वार्थी होते हैं, केवल अपना ही अपना देखते हैं। और जुगलखोर होते हैं, मतलब कि चुगली करने वाले होते हैं ऐसे लोग। तो लंबकाय में हमें याद रखना कि लंबकाय है मतलब कि लंबाई तो ज्यादा होगी। आप अपने दिमाग में किसी ऐसे लंबे व्यक्ति की इमेज बना लें जो बहुत ज्यादा लंबा हो, तो उससे आपको इसे याद रखने में ज्यादा आसानी होगी। तो आप मान लेते कि क्या है, कोई लंबा व्यक्ति है। अब वो क्या है, जब लंबा है तभी तो वो दुबला पतला है, और वो क्या है, दूसरों से क्या है, संबंध नहीं बना पा रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि केवल मेरी ही लंबाई ज्यादा है, दूसरों की तो कम है। तो वो क्या, दूसरों से संबंध नहीं बनाना चाहता है। और जब वो इतनी ज्यादा लंबाई है उसकी, तो वो क्या है, अपने क्रोध को भी सीधे सीधे व्यक्त नहीं कर सकता, नहीं तो लगे लोग सोचेंगे कि इतना लंबा आदमी है और ये कैसे क्रोध
कैसे क्रोध दिखा रहा है, तो वह अपना सीधे सीधे क्रोध भी व्यक्त नहीं कर सकता लोगों के सामने, लेकिन स्वार्थी होता है और जुगलखोर होता है, मतलब कि चुगली करने वाला होता है, एक दूसरे की बिधाने वाला होता है। तो ये होता है आपका लंबकाय। नेक्स्ट है हमारा गोलकाय। तो गोलकाय क्या होता है, ऐसे व्यक्ति नाटे, कम लंबाई, ज्यादा मोटे होते हैं, इनकी गर्दन छोटी तथा मोटी होती है, ऐसे व्यक्ति खाने पीने का भरपूर आनंद लेते हैं, ये खुश मिजाज व्यक्ति होते हैं, अर्थात ऐसे व्यक्ति कम लंबाई, ज्यादा मोटे और हसमुख तथा भोजन प्रेमी होते हैं। तो कहने का मतलब है जो गोलकाय होते हैं वो कैसे मिलेंगे आपको, थोड़े छोटे मिलेंगे, कम लंबाई के मिलेंगे और ज्यादा मोटाई के मिलेंगे, मतलब कि उनकी लंबाई कम रहेगी लेकिन मोटे बहुत ज्यादा रहेंगे, तभी तो उनकी गर्दन क्या होती है, छोटी होती है और मोटी होती है। और जब वो मोटे हैं तो क्या है, वो खाना बहुत अच्छे से खाते हैं, मतलब कि खाना अति से ज्यादा खाते हैं, तभी तो वो क्या है, मोटे है, गोल का है, मतलब कि मोटे हैं। तो मोटे क्यों, क्योंकि वो खाना बहुत अच्छे से खाते हैं। और जो मोटे व्यक्ति होते हैं, वो हमेशा आपको हसमुख मिलेंगे, मतलब कि दूसरों को हंसाते हुए ही मिलेंगे, खुद भी हंसेंगे और दूसरों को भी हंसाते हुए ही मिलेंगे। तो यही होता है आपका गोलकाय, कि जिसकी लंबाई क्या हो, कम हो, लेकिन मोटे बहुत ज्यादा हो। अब मोटे इसीलिए ज्यादा होते हैं क्योंकि वो भोजन बहुत ज्यादा, भोजन प्रेमी होते हैं, भोजन को एकदम ठूस ठूस के खाते हैं, तभी तो वो हसमुख भी होते हैं। अब जब उनका पेट भरा हुआ है तभी तो वो हसमुख रहते हैं और दूसरों से हंसते रहते हैं। तो यही होता है आपका गोलकाय। नेक्स्ट बात करते हैं सुडोलकाय की। तो सुडोलकाय क्या होता है, ऐसे व्यक्ति एवरेज होते हैं, मतलब कि औसत होते हैं, न ज्यादा लंबाई के होते हैं, न ज्यादा मोटे होते हैं, न ज्यादा छोटे भी होते हैं, सभी अच्छे लक्षण ऐसे व्यक्तियों में पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो सुडोलकाय है, अब सुडोलकाय में ऐसे व्यक्ति आते हैं जिनकी ना तो ज्यादा लंबाई होती है, न ज्यादा वो मोटे होते हैं और ना ही बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। कहने का मतलब है कि उनके अंदर जो लक्षण होते हैं वो सभी लक्षण बहुत अच्छे पाए जाते हैं, ऐसे व्यक्तियों में लक्षण क्या है, बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मिश्रितकाय की। तो मिश्रितकाय क्या होता है, तो ऐसे व्यक्तियों के व्यक्तित्व में उपरोक्त तीनों गुण विद्यमान होते हैं। कहने का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा पर्सन जिसकी लंबाई भी ठीक ठाक हो, मोटाई भी ठीक ठाक हो और बहुत ज्यादा छोटे भी ना हो, मतलब कि तीनों का मिला जुला रूप ही क्या होता है आपका मिश्रित काय होता है। तो इसमें क्या होते हैं, सभी लक्षण पाए जाते हैं जो आपके तीनों है, सुडोलकाय भी, सुडोलकाय व्यक्ति भी इसी में मिलेगा मिश्रकाय में, लंबकाय भी इसी में मिलेगा और जो आपका गोलकाय है ये भी आपको इसी में देखने को मिलेगा, किसमें, मिश्रितकाय में, क्योंकि इसमें सबका मिश्रण हो गया है, सभी इसमें मिल गए हैं, तो इसीलिए इसे कहा गया है मिश्रितकाय। नेक्स्ट है हमारा सेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण। तो हम देखते हैं कि सेल्डन ने कितने प्रकार के व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है, मतलब कि व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है। तो इन्होंने तीन भागों में व्यक्तित्व को बांटा है, जबकि अगर हम क्रेचमर की बात करें तो क्रेचमर ने चार भागों में बांटा था, लेकिन सेल्डन ने कितने, तीन ही भागों में इसे बांटा है। इनके अनुसार सबसे पहला जो व्यक्तित्व है वो है लंबकाय, दूसरा है हमारा आयताकार और तीसरा है हमारा गोलकाय। तो देखिए जब आपसे सेल्डन का पूछा जाएगा तो सेल्डन से आपको क्या याद रखना है, कार, अगर कार शब्द मिलेगा तो वो किसका होगा, सेल्डन के अनुसार है। तो इसे हम एक ट्रिक के द्वारा याद करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सेल्डन से लेंगे हम सैंडल, तो सैंडल का आकार, सैंडल आपको बहुत ज्यादा लंबाई के आकार में भी मिल सकती है, क्योंकि कुछ लोगों के पैर बहुत ज्यादा लंबे होते हैं, तो आपको सैंडल का आकार कैसा, लंबा भी मिल सकता है, सैंडल का आकार आपको आयताकार भी मिल सकता है और सैंडल का आकार गोलाकार भी देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं कि सैंडल मतलब कि सैंडल, और सैंडल किस आकार की होती है, सैंडल लंबाकार भी होती है, आयताकार भी होती है और गोलाकार भी होती है, गोलाकार भी होती है। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इनकी डिटेल के बारे में। तो देखिए जिस प्रकार से क्रेचमन ने
लंब कार के बारे में बताया कि जो व्यक्ति लंबा होता है, दुबला पतला होता है, वो किसमें लंबा कार में, वो व्यक्ति लंबा कार में आता है। तो जिस तरीके से क्रेचमन ने बताया कि लंबा कार क्या होता है, आयताकार क्या होता है, लेकिन उनके वर्गीकरण में कार शब्द का यूज ना करके काय शब्द का यूज किया है, और इन्होंने अपने व्यक्तित्व के वर्गीकरण में किसका कार शब्द का यूज किया है, लेकिन जो डिटेल है वो आपकी वही है जो हमने ऊपर बताई है लंबा कार में, कि व्यक्ति लंबा कार कैसा होता है, लंबा होता है मतलब कि वो लंबा कार में आएगा। तो जब व्यक्ति लंबा है तो वो दुबला पतला भी होगा, दूसरों की बुराई भी करेगा, जुगलखोरी भी होगा, तो वही विशेषता इसमें भी इन्होंने बताई है। दूसरा जो हमारा आयताकार है, आयताकार को इन्होंने अच्छा बताया है कि जो आयताकार व्यक्ति होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, मतलब कि ना तो ज्यादा लंबे होते हैं, ना ज्यादा मोटे होते हैं, ना ज्यादा छोटे होते हैं। तो आयताकार में इन्होंने ये विशेषता बताई है। और जो गोलाकार है, गोलाकार में इन्होंने वही बताया है कि गोलाकार जो व्यक्ति होता है लंबाई का होता है, ज्यादा मोटाई का होता है, मतलब कि उसकी लंबाई कम होती है और मोटा बहुत ज्यादा होता है, तभी तो वो भोजन प्रेमी होता है, जब भोजन प्रेमी होता है तो वो हसमुख होता है। तो वही विशेषता इन्होंने अभी अपने व्यक्तित्व के वर्गीकरण में बताई है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे आप हमारे वीडियो की समय समय पर नोटिफिकेशन पाते रहे। तो धन्यवाद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अपनी फैमिली को भी स्वस्थ रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।